के सब सुन लो, तो अगर तुम्हारी बीजीएमआई को खेलने में दिक्कत आ रही है, लैग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी हाइपिंग की प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारी इस दिक्कत को मैं आज इस वीडियो में 75% तक ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, तुम्हें वो सब स्टेप वगैरह उसको फॉलो करना है और तुम्हारी प्रॉब्लम को बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म कर देगा, एकदम ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, तुम्हें सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके यहाँ सर्च में लिखना है एनिमेशन, एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन लिखने के बाद यहाँ फिर आएगा रिमूव एनिमेशन, इसको मैंने टिक कर रखा है, इसको मैंने ऑन कर रखा है, तुम इसको ऑफ होगा, तुम इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद तुम अपना खुद ही डिफरेंस देख लोगे कि तुम्हारे मोबाइल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। तुम चाहे अभी ऑन करके देख सकते हो कितने ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो ठीक है, तुम्हारी ये वाली फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। उसके सेकंड प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना है, सेकंड पॉइंट में तुम्हें क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर यहाँ पर जाना है तुम्हें सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर होगा नेटवर्क प्रेफरेंस, ठीक है। ऑटो अपडेट लिखा होगा, ऑटो अपडेट उसमें लिख देना है डोंट ऑटो अपडेट, क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद तुम्हें ओके कर देना है, ठीक है, डोंट ऑटो अपडेट, और यहाँ पर भी डोंट ऑटो प्ले वीडियोज, ठीक है, और इसमें भी लिख देना आस्क मी एवरी टाइम, ठीक है। ये तीनों चीज़ करके यहाँ पर भी तुम्हारी वाली प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तुम देख लोगे अपने मोबाइल में, ठीक है। अब जो अननेसेसरी नोटिफिकेशन है, जो तुम्हारे पास अननेसेसरी नोटिफिकेशन आती है, जिसमें नहीं देता हूँ नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद मैनेज नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारी सारी ऐप की नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है। अब जो अननेसेसरी है, जो तुम्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसकी नोटिफिकेशन तुम ऑफ कर सकते हो, जैसे कि मैं इसकी ऑफ कर देता हूँ, जैसे सेटिंग की ऑफ कर देता हूँ, मुझे सेटिंग की क्या नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है, ठीक है, स्क्रीन लॉक की नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है मुझे, ठीक है। तो तुम जो तुम्हारी अननेसेसरी है वो तुम्हें उसकी तुम नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, जैसे कि मेरे पास एक फोन मैनेजर है, उसको मैं नोटिफिकेशन उसकी ऑफ कर देता हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑफ कर दी, ठीक है। तुम्हारा तीन पॉइंट तो यहाँ पर डिस्कस करोगे। अब तुम्हारे गेम में है, गेम में तुम्हें क्या करना है, गेम में जाना है तुम्हें। अब गेम में आने के बाद तुम्हें क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाना है, कंट्रोल में यहाँ पर ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में नीचे लिखा होगा ये ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स, इसको तुम्हें डिसेबल कर देना है। जब भी तुम ऑटो एडजस्ट करोगे ना, तो तुम्हारे मोबाइल को ना बार बार उसमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ग्राफिक्स जो ज़्यादा है, ग्राफिक्स क्यों कम है, तो तुम्हारा फोन ना बहुत ज़्यादा लोड लेगा, ठीक है, इसको तुम्हें डिसेबल कर देना है। मतलब डिसेबल कर रखा है, और यहाँ पर जो एंटी एलियासिंग है, इसको तुम्हें डिसेबल ही करके रखना है, क्लोज ही करके रखना है, ठीक है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो तुम्हें स्मूथ पे करके अल्ट्रा पे करना है, ठीक है, और यहाँ पर कलरफुल वगैरह मत करना, कलरफुल अगर तुम करोगे तो तुम्हारा फोन की जो ग्राफिक्स वगैरह है ना बहुत ज़्यादा हाई यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा हाई यूज़ होगी, ठीक है। या तो तुम क्लासिक रखो या फिर सॉफ्ट, ठीक है, मैंने क्लासिक रख रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाने के बाद तुम्हें हाई पे रखना है, अगर तुम्हें अल्ट्रा वाइड भी है तो तुम्हें हाई पे रखना है, सिर्फ मीडियम पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यूज़िक है इसको तुम्हें ऑफ कर, यहाँ पर मैंने टिक करके ऑफ कर दिया, ठीक है। अब म्यूज़िक तुम्हारा नहीं चलेगा ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही गेम ओपन करते हैं हमारा म्यूज़िक एकदम चलने लगता है, ठीक है। अब दूसरा तुम्हें क्या करना है, दूसरे तुम्हें यहाँ पर आना है कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पर एडवांस कंट्रोल में आना है, यहाँ पर तुम्हारा ये लिखा होगा हाईलाइट मूवमेंट, इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डेथ रिप्ले भी लिखा होगा, इसको भी डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर हट जाना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा अगर डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, तुम्हें यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर यहाँ पर ये टिक लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर वाईफाई वगैरह पर टिक लगा होगा, इसको तुम्हें अनटिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके अनटिक कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा नेट जो यूज़ हो रहा है बहुत बार, वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और जो तुम्हारे अननेसेसरी हैं, ये तुम्हें बहुत सारे मैप डाउनलोड करके रख लिए, ठीक है, जो तुम नहीं खेलते, वीकेंडी वगैरह हो गया, मेरा मार हो गया, ठीक है, शैनोक हो गया, जो तुम नहीं खेलते हो, ठीक है, उसको तुम्हें डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है, यहाँ पर तुम्हारे वो आ जाएगा जो तुम्हें डाउनलोड कर रखा है, जो तुम्हें डाउनलोड कर रखा है ना वो आ जाएंगे सारी। अब तुम्हें जो नहीं यूज़ करना है, जो तुम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, उसको तुम डिलीट कर देना है। कम से कम स्टोरेज रखनी है, ठीक है, वीजीएमआई के तुम्हें जो स्टोरेज है वो कम से कम रखनी है, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम और भी आ रही हो वीजीएमआई को खेलने में, या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, तुम्हें जिस भी वीडियो चाहिए वो भी तुम मुझे लिख दो, मैं उस वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।